नरेंद्र मोदी ने 10 साल का ऑलमोस्ट शासनकाल पूरा कर लिया है बतौर प्रधानमंत्री, कैसा कार्यकाल लगता है? बढ़िया चलाया है शासनकाल, बढ़िया चलाया है। जो योजनाएं जो लागू की हैं वो थोड़ा अलग है, बस ये है। हाँ, लाभ मिल जाए है, हर वर्ग को मिल जाए लाभ, राशन पानी सबको मिल जाए, जो भी सरकार की योजना है सारी मिल रही है। कानून व्यवस्था तो बढ़िया चल रही है इस टाइम। माफियाओं पे जो एक्शन ले रहे हैं वो तो और अच्छी बात है, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, काम अच्छे हो रहे हैं, आदमी को डर नहीं है। व्यापारी को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी मिल रही है। योजना आ रही है, जो यहाँ काम एटा में नहीं होते थे अब काम हो रहे हैं। एटा में बीजेपी है मोदी। अरे धरती पर देखो काम ही काम है, देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और क्या है। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा है। पर फिर हैट्रिक लगाएंगे पीएम मोदी। क्या नाम है आपका? शानू। शानू जी बताइए, चुनावी मौसम है और कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे गठबंधन के साथ। देखिए ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा क्या माहौल बनता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या होना है। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल का ऑलमोस्ट शासनकाल पूरा कर लिया है बतौर प्रधानमंत्री, कैसा कार्यकाल लगता है? बढ़िया चलाया है शासनकाल, बढ़िया चलाया है। क्या समझते हैं कि जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं वो पिछले 60 साल में जो कार्य नहीं हुए थे वो किए हैं, या फिर आप समझते हैं कि जैसा एक सत्ता चलती है सरकार की वैसा ही चला? नहीं, थोड़ा बहुत अलग भी किया है उन्होंने, थोड़ा अलग भी किया सर, बताएं। थोड़ा उन्होंने जो योजनाएं जो लागू की हैं वो थोड़ा अलग है, बस ये है। अच्छा, राशन वगैरह की, क्योंकि अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो तमाम योजनाएं हैं, राशन की है, आयुष्मान कार्ड है और उज्ज्वला योजना है, तो क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल जाए है, लाभ मिल रहा है। क्योंकि भेदभाव का आरोप भी सरकार पर लगता है कि भेदभाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लाभ मिल जाए है, वर्ग को मिल जाए लाभ, राशन पानी सबको मिल जाए, जो भी सरकार की योजना है सारी मिल रही है, सबको मिल। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है प्रदेश के, कैसी सत्ता संभाल रहे हैं और क्या कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, क्या समझते हैं? कानून व्यवस्था तो बढ़िया चल रही है इस टाइम। अच्छा, एक्शन जो योगी आदित्यनाथ लेते हैं माफियाओं पर, अपराधियों पर, जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, आप समझते हैं कि वो सही है, वो अपराधियों पर होनी चाहिए या गलत है? नहीं, माफियाओं पे जो एक्शन ले रहे हैं वो तो और अच्छी बात है, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं ये तो। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे, क्या बेहतर हुई है पहले से? सुरक्षा तो थोड़ी बढ़िया चल रही है महिलाओं के लिए, सारे काम बढ़िया है उनके। और एटा में क्या माहौल है, कौन सी तरह? एटा में माहौल तो ये, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, आने वाला टाइम बताएगा। फाइट तो दो जनों की रहेगी, सपा की और बीजेपी की एटा से। एक और सवाल मेरा, क्योंकि देवेंद्र यादव जो यहाँ से सांसद रहे हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, क्या समझते हैं कि खास वोट बैंक उधर ले जाएंगे? नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं नहीं। चलिए, तो तमाम लोगों से हम राय ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अजहर। मोहम्मद जी, ये बताइए, चुनाव है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं अकेले, दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे विपक्ष गठबंधन के साथ है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, और क्या, दावे के साथ कह रहे हैं मोदी। वो काम अच्छे हो रहे हैं, आदमी को डर नहीं है, व्यापारी को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी मिल रही है, सुरक्षा पूरी है, सुरक्षा पहले से ज़्यादा सुरक्षा आपको महसूस होती है। तो और जो विकास कार्य की अगर बात की जाए, अगर योजनाओं की बात की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि हर एक क्षेत्र तक योजनाएं पहुंच रही हैं? योजना आ रही हैं, जो यहाँ काम एटा में नहीं होते थे अब काम हो रहे हैं, एक ट्रेन का भी वो हुआ है, रोड भी बन रहे हैं, और क्या सब काम। तो एटा में कौन जीत रहा है, एटा में किसका पल रहा है? एटा में बीजेपी है। सर क्या नाम है? हनीफ। हनीफ जी बताइए, चुनाव है और क्या समझते हैं, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी। ऐसा क्या मोदी जी ने काम किया है, आप कह रहे हैं दावे के साथ मोदी जी बन रहे हैं? अरे धरती पर देखो काम ही काम है, देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और क्या है। अच्छा, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऐसे क्या कार्य आप समझते हैं कि पिछले 60 साल कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं हुए जो मोदी जी ने? उसमें घोटाले हुए, इसमें घोटाले नहीं है, ये उसमें बहुत घोटाले हुए थे। बताइए कि मोदी जी पर आरोप विपक्ष लगाता है कि वो विशेष धर्म के लिए काम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो वाकई प्रधानमंत्री उसमें सफल हैं? प्रधानमंत्री तो काम सही करते हैं, नीचे के स्तर के नेता थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, बाकी के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं? जब देश में है सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, और हाँ। थोड़ी बहुत तो कमियाँ होती है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है एटा की? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और एटा में कौन जीत रहा है चुनाव, किसका पलड़ा रहा भारी है? अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं है तो पता लगा है, सपा का और बीजेपी का क्लियर। हाँ, टक्कर सपा की और बीजेपी की होगी। भैया क्या नाम है? नरेंद्र सागर। नरेंद्र जी बताइए, चुनाव है, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? पीएम मोदी। एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे? पीएम मोदी। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं? सब सही है, और क्या है, सब सही है, कुछ खराब नहीं है। राहुल गांधी? वो भी सही है अपनी जगह। अच्छा, तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे आप? क्यों नहीं बनाएंगे, जब मौका मिलेगा उन्हें भी बनाया जाए। अच्छा, लेकिन अभी मौका नहीं देंगे राहुल। एक शख्स के इंसान से तो बनेंगे नहीं, पब्लिक चुनेगी तभी बन पाएंगे। लेकिन उस पब्लिक का तो आप भी हिस्सा है ना, तो एक एक से पूछूंगी तो तभी तो बात हो पाएगी। मैं तो मोदी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि एटा का माहौल कैसा है, एटा में कौन जीत रहा है चुनाव? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है अभी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा रामलीला नाम है जी। बताइए चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? वो तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे, बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं मोदी जी। निश्चित बनेंगे। ऐसे क्या कार्य मोदी जी ने किए हैं, आप कह रहे हैं? कानून व्यवस्था बढ़िया है उनकी, उनकी योजनाएं बढ़िया हैं, सब जनता खुश है, सब खुश हैं। हम खुश हैं बहुत। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसी योजनाएं आपको अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री ने? ये अच्छी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन और फ्री राशन। हाँ। सब खुश हैं। और कानून व्यवस्था कैसी है, क्या गुंडागर्दी खत्म हो रही है? बिल्कुल खत्म हो गई, गुंडागर्दी का सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, एटा में कौन जीत रहा है? एटा में सपा और भाजपा की टक्कर होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि एटा में जीतेगा कौन। होंगे सर, क्या नाम है आपका? बताइए। अनिल कुमार नाम है। ये बताइए कि चुनाव है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे गठबंधन के साथ है, कौन चुनाव जीत रहा है? ये तो समय बताएगा कौन जीत, कौन प्रधानमंत्री। ये तो समय बताएगा, अभी इलेक्शन हो जाए ताकि बाद मालूम पड़ेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का 10 साल का जो शासनकाल रहा है वो कैसा रहा? शासनकाल तो ठीक रहा है, मगर उन्होंने आरक्षण की ऐसी तैसी मार दी है, ठीक है, मगर उन्होंने उसको हिसाब से शासन नहीं चलाया जैसे चलना चाहिए, संविधान से नहीं चलाया। संविधान से अगर शासन चलाते तो बहुत बढ़िया चलता। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण जो है किस वर्ग के लिए आप? नहीं, उन्होंने जो ओपन कैटेगरी थी उसमें 3% ही लोग, 15% ही लोग रह जाते हैं, और एससी बीसी और ओबीसी उसको 85% जनता है, उसके लिए आज आरक्षण आज 49.5% में, और जो 10% EVS और कर दिया, 40% जब बचता है उसको अगर किया जाए तो उसको ओपन कैटेगरी कर दी जाए, जो SC BC और जनरल के सभी बच्चे जाएं तो ओपन कैटेगरी के हिसाब से जाएं। आप आरक्षण आपका मुद्दा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने तो कौन बने फिर आपके हिसाब से? ये तो समय ही बताएगा, ये जनता की अदालत है, ये कोई नहीं बता सकता कि मैं बता सकता ना जनता। समय तो बताएगा ही, लेकिन जनता से रुझान लेंगे तो एक आइडिया मिले। नहीं नहीं, जनता का कोई भरोसा नहीं, किस सब का। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन जो है प्रधानमंत्री बन रहा है। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर जानते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? अखिल अहमद। अखिल अहमद जी बताइए, चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी बनेंगे, जब EVM से चुनाव है तो। EVM से चुनाव होंगे तो मोदी जी बनेंगे, ऐसा क्यों? लोगों का ये इस तरह का कहना है कि जब तक EVM से चुनाव होगा तो मोदी जी रहेंगे। आप समझते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा अब इस बार चुनाव है तो। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या वजह हो सकती है? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैसा शासन कर रहे हैं, जो उनके एक्शन है क्या? सख्त शासन, बढ़िया है। एटा का क्या हाल है अगर चुनावी लिहाज से बात? नहीं, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन जीत रहा है एटा से, किसका पल रहा है? अभी नहीं कहा जा सकता, ये तो वक्त बताएगा। अभी कैंडिडेट की भी घोषणा सही तरीके से